subscribe and press the bell icon for latest update. चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हंगामा किया उससे देशवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जनता अब न्यायपालिका पर विश्वास करे या फिर नहीं। आपको बता दें कि जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गंगोई, जस्टिस मदन भीमराव और जस्टिस कुरियन जोसेफ पहली बार मीडिया के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए। कुमार विश्वास ने अपने ही अंदाज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक की गई चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने ट्विटर के जरिए इस पर अपना रिएक्शन दिया। कुमार विश्वास ने लिखा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सरकारें हो या राजनीतिक दल, हर जगह अहंकारी, असुरक्षाग्रस्त और कमजर्फ शासन हमारी साझी लोकतांत्रिक विरासत के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। समय रहते चमचों द्वारा नियोजित इनके मुखौटों के पीछे छिपे असली वर्चस्ववादी चेहरों को पहचान कर देश को इस रोग से मुक्त कराना होगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।